हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर से बहुत ही प्यारा सा और आसान तरीके का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 7 नंबर के निडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 1-1 इंच की मैंने ऐसी पट्टियाँ बनाई हैं चुन्नी की। अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी से बनाइए। 2 कलर की मैंने ली हैं। अगर आपको मल्टी कलर में बनाना है तो आप मल्टी कलर में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसमें फंदे डालने बताऊंगी। फंदे हम बिल्कुल ही आसान तरीके के डाल लेंगे, चाहे इस कलर से डालिए चाहे इस कलर से डालिए। ये देखिए, ऐसे हम इसमें एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे। और एक बार और हम इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने इसमें नोट लगानी है। अब देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो 20 फंदे डालने के बाद अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। 20 फंदे डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हम इसकी बेसिक रो बहुत ही आराम से बनाएंगे। जब इस तरीके के फंदे डालते हैं तो एक रो हम बिल्कुल सिंपल आराम से ऐसे बनाएंगे। आराम से बनाइएगा, नहीं तो हमारा फंदों के बीच में गैप बन जाएगा। ये देखिए, मैं 20 फंदे में बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको 30 फंदे का बनाना है, 40 फंदे का बनाना है, आप जितना भी बड़ा बनाओ आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। बनाने का तरीका सेम रहेगा। फंदे आप पैर के हिसाब से डालिए। जैसे मैं इसमें मैंने 20 फंदे लिए हैं तो मैं 2-2 फंदे का पैर बनाऊँगी। अगर आप 30 फंदे का बनाओ तो 3-3 फंदे का आप पैर बना लीजिए। 40 का बनाओ तो आप 4-4 फंदे का इसमें पैर बना लीजिए। 50-60 जितने का भी आप बड़ा बनाना है आप उसी हिसाब से इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए, पूरी रो हमने उल्टा उल्टा बना के आराम से इसको कंप्लीट कर लिया। ये सबसे सिंपल तरीके के फंदे हैं फ्रेंड्स ये। बाकी जिसको डालने आते हैं आप अपने हिसाब से डालिए, ये मैंने बिगिनर्स के लिए बताए हैं। ये देखिए, एक हमने इसमें रो उतार ली। अब देखिए, इस पट्टी को भी हम इसी के अंदर ऐसे हम लपेट लेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत सफाई के साथ बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब हम इसमें नीचे की साइड 2 फंदे छोड़ देंगे। आप इस डिज़ाइन को वूल से भी बना सकते हो। वूल से मैंने बनाया था फ्रेंड्स ये 2 कलर का, तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम हमें चुन्नी से भी इस डिज़ाइन को बनाना बताइए। इसलिए आज मैं इसकी वीडियो, ये मैंने चुन्नी की पट्टियाँ बनाई हैं, इससे आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, 2 फंदे हमने नीचे छोड़ दिए। पलट लेंगे, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे। ध्यान से देखिए, इस रो को भी हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। 2 फंदे हमने नीचे छोड़ दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक किनारे का फंदा हम सीधा बनाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी बहुत ही अच्छी किनारे की लुक आएगी, एक चोटी सी बनती चली जाएगी। इसको हम हर बार सीधा बना देंगे। पलट लेंगे। अब देखिए, इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इस फंदे को हम एक बार बनाएंगे, एक साइड से ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप साड़ी या चुन्नी से बनाओगे
तो इसमें जब आपकी पट्टी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी पट्टी का आप इसमें ज्वाइंट कैसे लगाओगे, ये देखिए इतनी बड़ी जब पट्टी रह जाए आपकी, तभी आपने दूसरी पट्टी लेनी है और उसके अंदर ऐसे आपने रोल करना है। ये देखिए, जब भी हम साड़ी चुन्नी से बनाते हैं तो हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आप इसको पकड़ के रखिए ताकि हमारा ज्वाइंट इसमें अंदर चला जाए। ये देखिए, अब देखिए फिर से हम नीचे की साइड दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, इस साइड से सारा उल्टा उल्टा बनाएंगे, किनारे वाले को सीधा बना देंगे, फिर से हम इस साइड से इसको ऐसे उतार लेंगे, उल्टा उल्टा बनाते हुए दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ तक फंदे ये छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए दो दो करके मैंने इस सारे फंदे छोड़ दिए हैं यहाँ तक। अब देखिए, अब ये जितने भी फंदे छोड़ रखे हैं इनको हम बना लेंगे। फर्स्ट वाला उतार लिया, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमारी छोटी सी बनती जाएगी। और ये देखिए जो फंदे हमने छोड़ रखे हैं इस रो में, हम ये सारे फंदे नीचे तक बना लेंगे। पूरी रो हमने बना ली, एक कली हमारी बन के कंप्लीट हो गई। देखिए अब तक ये दोनों साइड से एक जैसा था, लेकिन अब यहाँ से जब भी आपने कलर लगाना हो तो आप यहाँ से बैक साइड से आप इसमें दूसरा कलर लगाइएगा। इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, इस पट्टी को भी हम इसी के अंदर ऐसे लपेट लेंगे। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो। ये कली पूरी होने के बाद तो यहीं से मेरा ये येलो कलर है, तो मैं यहीं से इसमें ये कलर लगा लूँगी। अगर आपको कोई और लगाना है तो आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो, हर कली अलग अलग कलर से भी आप इसको बना सकते हो। अगर आपके पास रंग बिरंगी छोटी छोटी पट्टियाँ हैं तो आप छोटी छोटी कली अलग अलग कलर से भी बना सकते हो, बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। ये देखिए इस रो में हम इसको भी ऐसे बना लेंगे। अब देखिए कलर हमने इसमें लगा लिया है, इस साइड से इसको ऐसे उतार लेंगे, पट्टी आगे लेके आएंगे और देखिए फिर से जैसे हमने नीचे से शुरुआत की थी इसी तरीके से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए सारे ही फंदे बना लेंगे, दो फंदे नीचे छोड़ देंगे। ये देखिए दो फंदे एक और बनाएंगे, ये देखिए एक और दो, दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक छोड़ देंगे और फिर लास्ट में सारे फंदे जैसे हमने अभी बनाई थी लास्ट वाली रो, ये सारे फंदे हम बना लेंगे और इस साइड से फिर से हम अपना दूसरा कलर चेंज कर लेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे बनाऊंगी, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बनने के बाद इसकी कैसी लुक आई है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर इसकी लुक आई है आप देख सकते हो, और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।